चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सबसे पहले तो गलत इसलिए है कि 17.5 साल इन्होंने करी अमर पाले कहां से 21 साल की कोई थी। सरकार को ही देखना चाहिए कि आज भारत सरकार के कितने पद खाली पड़े हैं, रेलवे से लगा के पोस्ट ऑफिस तक, पोस्ट ऑफिस से लगा के तमाम विभागों में आप जांच करा लीजिएगा पूरे देश की, आपको पता चल जाएगा कि भारत सरकार के पद अभी भी कितने खाली पड़े हैं। अरे भाई, जो आपके पद खाली पड़े हैं पहले उनकी नियुक्ति कीजिए, पहले उनकी भरपाई कीजिए, तब जाकर आप नई स्कीम लाने का काम करें। क्या 4 साल के बाद देश का जो नौजवान जो देश का सीमा पर सर्विस करके आ रहा है, क्या वो जगह जगह जाकर मजदूरी करेगा? क्या वो साथी जो हमारे देश की सर्विस करके जो अपना सीना सीमा पर खड़ा होकर तान के खड़ा है, क्या वो कल आकर दरबदर की ठोकरें खाता फिरेगा? क्या वो सेना का साथी कल आकर रिक्शा चलाएगा? तो सरकार जो 4 साल की योजना लेकर के आई है उससे कहीं ना कहीं सरकार को देश के युवा की कोई चिंता नहीं। ये जो विरोध प्रदर्शन है भारतीय किसान यूनियन का, ये एसकेएम का कॉल दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या? देखो, ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पे आज 24 तारीख में पूरे देश में जिला मुख्यालय पे अग्निपथ योजना के विरोध में नौजवानों के साथ में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय पर विरोध प्रकट करा जा रहा। माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन प्रेसी जिलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारी मांग है कि इस अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार जल्द से जल्द तुरंत वापस ले। इस मुद्दे पर क्यों जरूरत महसूस हुई भी अपने? देखो, आपने नाम सुना होगा जय जवान जय किसान जी। जितने फौज में जा रहे सब ये भारत के किसानों के बच्चे हैं। किसी विधायक का, किसी मंत्री का, किसी अपने व्यापारी का अगर कोई फौज में भर्ती हो तो उसकी डिटेल हमें दें। देश में किसान अन्न पैदा करके देश की भूख मिटा रहा और उनके बच्चे सेना में बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर अपने जवान गंवाकर हमारे देश की रक्षा कर रहा, तो इसलिए नौजवान का और भारत के किसान का एक दूसरे के एक सिक्कों के पहलू हैं। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का अखबार है, उसने आज से 8 दिन पहले एक रिपोर्ट छापी, बड़ी काम की रिपोर्ट है। उसने कहा कि अगले 4 सालों में इस देश में 2 लाख अग्निवीर भर्ती होंगे, अर्थात 4 साल के भाड़े पर 2 लाख सैनिक भर्ती होंगे। अगर आप पिछले 4 साल का आंकड़ा देखेंगे तो महोदय, हर साल इस देश में 3,80,000 हर साल भर्ती होते थे, तो 4 साल में कितने हो गए भाई? लगभग 3.5 लाख। सरकार कौन से गणित की किताब पढ़ रही है? भर्ती होने थे 3.5 लाख, सरकार कर रही है 2 लाख और कह रही है रोजगार बढ़ेगा इससे। नौकरी दे रहे आपका ठेकेदारी सिस्टम दे रहे, ठेके की ना दे रहे जो गुजरात के कारपोरेट घराने हैं। आज किस बात को लेकर धरना था भारतीय किसानों ने, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है, जो ये निकम्मी सरकार है और जो आज के समय जो नौजवान साथी है उनके कैरियर को ये बर्बाद करना चाहती है, उन्हें चाय पकौड़े तलने के लिए मजबूर करना चाहती है या उन्हें बदमाश बनाने के लिए तैयार करना चाह रही है, और किसानों के बच्चों को, जो मजदूर के बच्चे हैं उन बच्चों को बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। क्या इनका क्या मतलब है? अब ये क्या काम कर रहे हैं? पहले था 1 रैंक 1 पेंशन, अब क्या जाए 9 रैंक 9 पेंशन, अब वो काम कर दिया। जो देश की सरकार है, जितने भी ये नेता है, कोई भी नेता अपनी जो पेंशन है छोड़ने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 11 बार की पेंशन दे रहे हैं भाई, जब उनका वे कह रहे हैं मैंने घर छोड़ दिया, दर छोड़ दिया,
सब कुछ छोड़ दो, नेताओं की पेंशन भी खत्म करवा दो ना सबसे पहले, क्यों नहीं करवाते? तो अब ये क्या है कि सरकार चाह रही है किसानों से बदला लेना, क्योंकि किसान वहाँ से बॉर्डर से जीत करके आया था, तो सरकार ने क्या काम करा, भाई इनके बच्चों का इलाज कर दो।